नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमित भारद्वाज, गुटेट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो कि किसानों का उत्पादक संगठन है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको आलू की फसल में होने वाले थ्रिप्स कीट का प्रकोप, उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, उसका नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। उससे पहले किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जो भी नया हमारा वीडियो पड़ेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये आलू की फसल है और इसमें इस समय थ्रिप्स कीट होते हैं, उनका प्रकोप दिखाई दे रहा है। तो उनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं सब किसान भाइयों? सबसे अच्छी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं ऊपर की तरफ मुड़ी हुई दिखाई देंगी आपको। तो ये थ्रिप्स कीट जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, बारीक होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके कारण ऐसे पत्तियां हो जाती हैं। तो ये जो समस्या है किसान भाइयों, ये रस चूसने वाले कीटों के कारण ही होती है। तो ये तो हो गई किसान भाइयों पहचान। जैसे कि आप अपने खेत में देखेंगे तो आपको आसानी से दिखाई दे देंगे ये पौधे, इस तरीके से पत्तियाँ उनकी सुखड़ी हुई ऊपर की तरफ दिखाई दे देंगी। अब इसके नियंत्रण की बात करें किसान भाइयों, तो नियंत्रण करने के लिए आप थायमोक्सोथाम 25% WG 10 ग्राम 15 लीटर पानी के हिसाब से, या फिर इमिडाक्लोर पर 17.8% SL 10 ML 15 लीटर पानी के हिसाब से, या फिर एसीटामिप्रेट 20% SP 10 ग्राम 15 लीटर पानी के हिसाब से। आप इन तीनों में से कोई एक ही दवाई का प्रयोग करें और कोशिश ये करें किसान भाइयों कि 150 से 200 लीटर पानी का प्रयोग करें, उसी हिसाब से आप दवाई की मात्रा का प्रयोग करें। दवाई स्प्रे करते के समय किसान भाइयों, सुबह जल्दी या शाम को लेट दवाई स्प्रे करें। ज़्यादा धूप होने पर दवाई का स्प्रे ना करें, उससे जो दवाई का असर है वो थोड़ा कम होता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर बनाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।